तो ये पाइपिंग निकलने का मसला बहुत आम है, ये आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। तो ये देखें, ये पाइपिंग हम आज को मैं आपको लगाना सिखाऊंगा जिसमें ये मसला नहीं आने वाला। आप कितना भी तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गला लेना है, जो भी आपने गला लिया उसके बाद हम 1 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है, ठीक है। और जितनी आपको चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे, यानी 10 इंच की चाहिए तो मैंने 11 इंच की ले ली, ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है, 1 इंच ज़्यादा ले ली, मतलब जो भी चाहिए। उसके बाद देखेंगे हमने तकरीबन 1 सूत रख के इसकी सेंटर में फोल्ड करके इस पर निशान लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। गौर कीजिएगा इस पर, ये यही अहम पॉइंट है जो मतलब आपको मदद करेगा पाइपिंग आपकी ना निकले। और इसको छांट लेना इस तरह से, ये हमने पट्टी में किया, जो हम नीचे की तरफ पट्टी उतारेंगे, ये देखें इस तरीके से ये थोड़ा सा गेप आ जाएगा। तो अब आपने छांट ले लेनी है और उस पर गला चिपकाना है इस तरीके से। और नीचे की जो पट्टी है इसको आप देखिएगा गौर से, इस पर जो हमने गेप किया था वो इतना था, यानी तकरीबन 2 सूत का गेप आ जाएगा। ये इस तरह रख के आपने इसको चिपका लेनी है। तो ये देखें मैंने चिपका ली इस तरीके से, बीच में हमें कपड़ा मिल गया तो पाइपिंग निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और यहाँ से देखें जितनी आपने पाइपिंग लेनी है उतनी आपने सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ये सिलाई भी आपने ज़रूर लगानी है, ये नहीं है कि सिलाई नहीं लगानी। वैसे मैंने बूट वाली में कहा था कि ना भी लगाएं, लेकिन इसमें ज़रूर लगाएं, इसमें कपड़ा मतलब और मजबूत हो जाएगा, जितनी ज़्यादा उस पर सिलाइयाँ लग जाएंगी उतना वो बेहतर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपने बिल्कुल सिलाई आपने बिल्कुल सीधी लगानी है, वरना पाइपिंग में मसला आएगा, क्योंकि हम इसी पे ही पाइपिंग को इसी सिलाई के ज़रिए लगाएंगे। तो आपने बिल्कुल परफेक्ट लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के, यानी 1 सूत जितना कपड़ा छोड़ के काट लेना है, बिल्कुल बराबर से नहीं काटना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस तरह की ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियो मिलती रहेंगी। नोक के पास से देखें मैंने काट लिया और बीच में भी हमें थोड़ा सा कपड़ा मिल गया, यानी यही हमारी मजबूती का सबब बनेगा, ठीक है, इस तरीके से देखें। उसके बाद आपने उरेब पट्टी ले लेनी है 1 इंच चौड़ी तकरीबन, ठीक है। और ये जोड़ लगाने का तरीका भी देख लें, इस तरीके से आप देखें चकोर सा बनता है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा के उरेब पट्टी में जोड़ लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जोड़ लगा लिया। और यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा रख के फोल्ड कर लेंगे। ऊपर वाले नंबर पर आप जाकर सिले सिलाए ट्राउज़र्स खरीद सकते हैं, जिसे मैंने खुद स्टिच किया है। देखिए अब यहाँ से आपने उरेब पट्टी रखी नीचे से और सिलाई लगाना शुरू कर दी इस तरीके से। नोक के पास आपने वैसे की वैसे टर्न कर लिया, नीचे से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा नीचे से किस तरीके से करना है। नीचे से देखें ये यहाँ से इस तरीके से करके इसको पट्टी को आपने कट वट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, बिल्कुल बराबर बनाई है, ज़्यादा दबाव नहीं दिया, तो इसमें हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें इस तरीके से तैयार आ जाएगी, और ये देखें इस तरीके मैंने कट भी नहीं लगाया इस पर। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, और नीचे भी देखें बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नोक का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बेहतरीन बन के मिलेगी। ये देखें इस तरीके की नोक हो जाएगी। नीचे से आपने वापस अगेन दोबारा देखना, देखें ये नीचे आ गए हम यहाँ पे आपने सिर्फ इस तरह सिंपल फोल्ड कर देना और पाइपिंग लगानी है, कट लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लें, ताकि आप कभी भी चाहें तो उस पर आकर रेडी टू वेयर हाई क्वालिटी फैब्रिक के ट्राउज़र ख़रीद सकें। तो देखें यहाँ से भी बड़ा ज़बरदस्त आ गया हमारा, और नीचे से भी हमें कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब हम उसके बाद पट्टी ले लेंगे तकरीबन 2 इंच चौड़ी, और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे उल्टी, और इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो ये बुकरम की भी पट्टी बना सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसी को पल्टी कर देता हूँ पेन की मदद से। कटिंग और स्टिचिंग का पूरा कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ बेसिक पे, आप वो चाहें तो एंड में भी उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने देखें इस तरीके से लेना है, चाहें तो थोड़ा कट खोलना चाहें तो खोल दें, बराबर से लेना चाहें तो बराबर से ले लें। बराबर में भी है कि नोक से थोड़ा सा नीचे लें और सिलाई बराबर में लगाते हुए चले जाएंगे इसकी हम। नीचे से अगेन दोबारा आपने देखना है ध्यान से, क्योंकि अक्सर जो गलती होती है वो नीचे ही होती है, यहाँ पर नीचे वाली नोक पर। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने इसको यहाँ तक आना है, सुई को अंदर कर रखना है और इसको घुमाना है और इसको ऊपर चढ़ाना है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं पाइपिंग थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर चढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बूट वो किसी को खुद ही नीचे खींच लेता है, बिल्कुल बराबर आ जाती है। तो देखिए हमारी ये पाइपिंग तैयार आ गई, और इंशाल्लाह इस पर ज़ोर भी लगाएंगे तो ये निकलेगी नहीं, कभी निकलने का मसला तो इस पर नहीं आएगा। तो अगेन अगर कटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर लें, और स्टिचिंग का करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर, और व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट